उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए 2 अक्टूबर 1994 में आंदोलनकारियों पर मुजफ्फरनगर में गोलीकांड के चलते अनेकों आंदोलनकारी शहीद हो गए थे, परंतु आज तक दोषियों पर कोई कार्रवाई के साथ साथ उनकी गिरफ्तारी तक नहीं हुई। इसी पीड़ा को लेकर राज्य आंदोलनकारी मंच के लोगों ने आज मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। इस पर आंदोलनकारी मंच के प्रदेश महासचिव रामलाल खंडूरिया ने बताया कि जहां एक ओर रणवीर एनकाउंटर के आरोपी को सीबीआई ने महज 2 साल में ही गिरफ्तार कर केस बंद कर दिया, मुजफ्फरनगर में गोलीकांड को 24 वर्ष बीतने पर भी सीबीआई द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार तक नहीं किया गया। वहीं उनका कहना है कि यदि सरकार जल्द आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती है तो आंदोलनकारी इसके लिए PIL लगाकर सुप्रीम कोर्ट तक भी जाने को तैयार है। इस राज्य आंदोलन के लिए उत्तराखंड का जनमानस सड़कों पर उतरा था और 1 अक्टूबर की रात को उत्तराखंड के तमाम लोग, माताएं, बहनें, आंदोलनकारी दिल्ली में लाल किले पर कूच कर रहे थे अपने राज्य की मांग को मनवाने के लिए। जैसे कि आपको बताया, 1 अक्टूबर की रात और 2 अक्टूबर को आंदोलनकारियों पर भीषण गोलीबारी, लाठीचार्ज, माँ बहनों का अपमान किया गया था, उस पर CBI मुकदमे चल रहे हैं, इनको आज तक सजा नहीं हो पाई है। उसके खिलाफ हम ये ज्ञापन आज मुख्यमंत्री जी को देने जा रहे हैं, DM साहब से हम मिलेंगे, उनके माध्यम से देंगे। बड़ा दुख का विषय है कि 24 साल हो गए और तारीख पे तारीख और CBI के गवाहों का इधर उधर हो जाना और आज तक उनको सजा न हो पाना, इससे उत्तराखंड का जनमानस बड़ा अपेक्षित और बड़ा निराश है कि एक तरफ तो निर्भया कांड जैसी घटना हुई, यहाँ रणवीर एनकाउंटर हुआ, 2 साल में CBI ने सजा भी दिला दी, केस फाइनल करा दिया और उत्तराखंड आंदोलनकारियों के जो हथियारे थे जो उनके लिए 24 साल से आज तक कोई फैसला नहीं, मतलब CBI के दोहरे मानक कैसे हैं कि एक को तो 2 साल में सजा दे, किसी को 24 साल तक अभी भी कोई उम्मीद नहीं है। तो बड़ा दुखद है कि आज तक हमारे को न्याय नहीं मिल पाया, तो उस न्याय की मांग के लिए आज हम यहाँ से ज्ञापन दे रहे हैं। आशा है कि सरकारें जागेंगी और उत्तराखंडियों को न्याय दिलाएंगे, नहीं दिलाएंगे तो आगे हम लोगों को लामबंद करेंगे, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट खुद जाना पड़े, PIL दाखिल कुछ भी करें।